हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड आज हम जो प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, दिस इज फॉर क्लास प्लस टू। सो ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ये हमने दो एंगल्स के लिए अभी प्रॉपर्टीज की है, अब ट्रिपल एंगल के लिए करेंगे। तो पहले हम प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारे पास है टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी माइनस टेंजेंट बी टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट सी टेंजेंट ए। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम लेट टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स है, ए विल बी दिस विल बी योर टेंजेंट ए इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट बी एंड जेड इज इक्वल टू टेंजेंट सी। तो क्या हो ये तो इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा अपना टेंजेंट ए, क्या होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड। तो ये टेंजेंट इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और इसके बीच में क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई थ्री टेंजेंट ए बी सी, ये आ जाएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस एक्स जेड। सो दिस विल बी योर प्रॉपर्टी इन टेंजेंट इनवर्स, ये उसी पे प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, इसी तरह से हमारे एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, एक हमारे पास है साइन थ्री एक्स किसके बराबर होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो इसमें हम कर सकते हैं थ्री साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ये दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रिपल एंगल की। थर्ड में क्या है कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। सो दिस विल बी ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। सो इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है इसको देखो, सो फर्स्ट टेक ए नोट ऑफ इट, इसको आप नोट कर लो बेटा, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो ओके, we will rub this part and we will start with the questions on some triple and some complex parts. So let us erase this part. Now we are given that tangent inverse yz upon, question is if tangent inverse yz upon xr plus tangent inverse xz upon yr plus tangent inverse z le aayega xy upon zr equal to pi by 2, okay, this is equal to pi by 2 and what we have to show, then x square plus y square plus z square is equal to, uski kya value aayegi ye humne pata karna hai, theek hai। so what will be the value for x square plus y square plus z square, to iski kya value aayegi ye dekhna hai humne। so let us start with the solution, let tangent inverse yz upon xr be equal to a
so that tangent A is equal to yz upon xr. Second क्या है, tangent inverse xz upon yr is equal to b, so that tangent b is equal to xz upon yr, and tangent inverse xy upon zr is equal to c, so that tangent c is equal to xy upon zr. okay, now we use the ऐसा formula, वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं. क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ये हमें दिया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसी को ही हम यूज करते हैं. सो गिवन को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी एक्स वाई वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस एक्स जेड अपॉन वाई आर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर माइनस, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और आर क्यूब अपॉन वन माइनस, पहले दो का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज वाई जेड एक्स जेड अपॉन एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस, दिस विल बी नेक्स्ट टू का करना है एक्स जेड एक्स वाई अपॉन वाई आर जेड आर माइनस, फर्स्ट और थर्ड का क्या हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स आर, और इधर क्या है एक्स वाई दैट इज वाई जेड वाई स्क्वायर एक्स जेड, नीचे क्या आ जाएगा एक्स जेड आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू. और इसको हम अगर टेंजेंट को उधर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाली साइड हम वैसे ही लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस एक्स जेड अपॉन वाई आर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर. तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड क्या बच जाएगा, एक एक्स वाई जेड बच जाएगा अपॉन आर क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस. सो ये इसमें क्या आ जाएगा एक्स वाई क्या कह रहे हैं जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसमें वाई जेड गया वाई जेड एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस, इसमें क्या जाएगा वाई स्क्वायर जाएगा, वाई स्क्वायर तो रहेगा एक्स जेड जाएगा, एक्स जेड गया वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय टू. टेंजेंट पाई बाय टू क्या होता है वन बाय जीरो, दिस इज इक्वल टू वन बाय जीरो. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू वन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू जीरो. जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो सभी को जीरो कर देता है, सो इसमें कुछ नहीं आएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ दिस विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसी की वैल्यू हमने निकाल दी थी, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट we start with the next part. Let us rub this part and then we will move to the next part.
नेक्स्ट में देखो बेटा क्या है, हमें दिया है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, सो ये दिया है, देन व्हाट वी हैव टू शो, तो ये हमने निकालना है, देन एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर जेड अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई जेड, तो ये हमने इसमें शो करना है। सो बेटा ये क्वेश्चन हमारा कुछ ना कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज पे भी बेस करता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, लेट इट दिस बी, तो क्या होगा, ये हमारा है सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स को हम ए मान लेते हैं, सो दैट एक्स इज इक्वल टू साइन ए, और साइन इनवर्स वाई को हम बी मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन बी हो जाएगा, और साइन इनवर्स जेड को हम सी मान लेते हैं, सो दैट जेड इज इक्वल टू साइन सी। तो अब हमें राइट साइड में देखना है, राइट साइड में हमारे क्या बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर x हमारे पास साइन ए है तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का रूट विच इज इक्वल टू कॉस ए, इसी तरह से वन माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस बी, और वन माइनस जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा कॉस सी। तो अब हमारे पास क्या बन गया, अब हम चलते हैं इसी को यूज करते हुए हमारी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये हमें क्या दिया हुआ, ये तो हमने निकालना है, तो हमें दिया क्या है साइन इनवर्स एक्स, क्या है हमारे पास, गिवन इज साइन इनवर्स एक्स इज ए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई और 180, ओके। सो इसको हमने निकालना है, इसको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं पहले, क्योंकि इसे ये प्रोडक्ट में है, इसको हम सम में चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम डबल एंगल में चेंज करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 बाई टू कर दो और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन बी कॉस बी 2 साइन सी कॉस सी, ये क्या बन जाएगा, दिस इज 1 बाई टू साइन 2 ए साइन 2 बी साइन 2 सी, इसको हमने फाइंड करना। अब हम प्लस वन की जो कंडीशनल आइडेंटिटीज की थी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस पे हमने फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आ जाएगा, इसको हम इधर साइड पे निकालते हैं, क्या आता है ये देखते हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी, ये क्या होगा, तो इसमें देखो बेटा, इसमें हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये प्लस वन के फॉर्मूलास है, यू मस्ट बी रिमाइंडिंग, उसको आप कर सकते हैं रिप्रोड्यूस, क्या होगा ये टू साइन ऑफ टू ए प्लस टू बी अपॉन टू इंटू कॉस टू ए माइनस टू बी अपॉन टू प्लस साइन टू सी, तो ये क्या आ जाएगा टू साइन ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी। तो अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा पाई माइनस सी, इसको रिप्लेस कर देते हैं, टू साइन पाई माइनस सी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो गया प्लस टू साइन सी कॉस सी, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 180 माइनस ए साइन सी, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी टू साइन सी कॉस ए माइनस बी
प्लस टू साइन सी कॉस। अब सी को मैं क्या लिख रहा हूं, पाई माइनस ए प्लस बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन सी हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, कॉस ए माइनस बी, और यहां पे क्या बचेगा, पाई 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज योर माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। सो इसको हम लिखते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा टू साइन सी, और ये हमें मालूम है किसके बराबर होता है, टू साइन ए साइन बी, तो ये सारा क्या बन जाएगा, फोर साइन ए साइन बी साइन सी। तो अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वन बाय टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी। सो ये कट जाएगा टू से, टू साइन ए साइन बी साइन सी। अब साइन ए साइन बी साइन सी क्या है, साइन ए हमारा एक्स है, साइन बी वाई है, और साइन सी है जो जेड है। सो दिस विल बी इक्वल टू टू एक्स वाई जेड, ये टू एक्स वाई जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस विल बी योर रिजल्ट, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो दिस विल बी योर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते हैं, फर्स्ट वी विल रब दिस पार्ट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट अस रब दिस पार्ट। सो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो इधर, तो नेक्स्ट में देखो बेटा, इसमें हमने क्या करना है, इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय थ्री इज इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन इज इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय थ्री इज इक्वल टू थीटा, तो हमने इसमें वैल्यू निकालनी है, एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस थीटा प्लस फोर वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 36 कॉस स्क्वायर थीटा, 36 साइन स्क्वायर थीटा, या ये कह सकते हैं माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा, या माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखना है कौन सी वैल्यू आएगी। सो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो क्या होता है वो, कॉस इनवर्स एक्स वाई, That is xy upon 6 हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x square, क्या हो जाएगा, x square by 4, 1 माइनस y square by 9, and this is equal to theta. It means क्या हो गया, xy by 6
माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब कॉस इनवर्स इधर आएगा ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब इसको हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सिक्स वी गेट। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, सिक्स से मल्टीप्लाई करने से ये अपना आ जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स कॉस थीटा। स्केयरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स को स्केयर कर देते हैं, क्या आ जाएगा वी गेट इसमें आ जाएगा एक्स वाई माइनस रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर नाइन माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सो ये बन जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं क्या बन जाएगा। इधर देखो एक्स वाई का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर नाइन माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई ए बी नो दिस इज नॉट राइट, वी हैव टू फर्स्ट रीअरेंज द टर्म्स बिफोर वी गो देयर। सो बिफोर वी चेंज दिस बिकॉज फिर इरेशनल टर्म रह जाएगी, पहले इसको हम ये करते हैं एक्स वाई माइनस सिक्स कॉस थीटा रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ नाइन माइनस वाई स्क्वायर नाउ वी स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है 12 एक्स वाई कॉस थीटा एक टर्म तो बन गई है जो हमें चाहिए इसमें, लेकिन बाकी टर्म्स हमने निकालनी है अभी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं क्या बनता है। ये आज बन जाएगा हमारा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 12 ऑफ एक्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये तो कैंसिल हो गया। ओके ये 9 एक्स स्क्वायर और 4 वाई स्क्वायर भी उधर चाहिए हमें, इसको हम उधर उस साइड पे ले जाते हैं, क्या बन जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा, यही चाहिए हमें इस साइड पे, इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें 36 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी योर रिजल्ट। सो देखो बेटा इसमें कोई डाउट है यू कैन क्लियर योर डाउट। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस पे। पहले इसको रब करके तो ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम या डाउट देखो बेटा अगर है तो देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट। कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन है, देखो इधर क्या होगा, ये क्वेश्चन है इफ कॉस इनवर्स एक्स ऑन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा देन
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने शो करना है इसमें, लेट अस शो दिस। सो इसी लाइन पे चलना है हमने, जैसे वॉक किया था ए और बी की जगह हम ना ए टू और थ्री है वहां पे, तो वही हमने करना है। क्या बन जाएगा ये कॉस इनवर्स, सिंपली यहाँ पे टू और थ्री वो मल्टीप्लाई हो गया, पहले ये करके फिर इसको हम करेंगे। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये कॉस अल्फा हो जाएगा। तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस अल्फा बन जाएगा। नाउ दिस विल बी एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा। इसको इधर ले आओ एक्स वाई माइनस ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्या आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा सॉल्व करने से सो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके अब इसको इधर ले आओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके ये तो चाहिए इधर हमें माइनस टू एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू उधर क्या रह गया फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह गया। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इधर थोड़ी स्पेस बनानी होगी हमें, तो लेट अस रब दिस पार्ट। तो बेटा इसमें क्या आएगा अब ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक चीज रह गई हमारी ए स्क्वायर या साथ में ये भी था ना माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू अब ए बी स्क्वायर इसमें इसे कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्या बच जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दो सो डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी गेट तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए के भी कट जाएगा नीचे ए भी रह जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। सो यही हमने शो करना था, दिस हैज बीन प्रूव्ड। ओके ठीक है बेटा इसी पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो पहले लेट अस रब दिस पार्ट। अगर इसमें ए बी आप ये डाल दोगे क्या टू और थ्री था तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉन फोर हो जाएगा वो वाई स्क्वायर पॉन नाइन हो जाएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 36 से यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके सो पहले इस रब करते हैं
then we will do the next question. Then next is question is if cos inverse x, cos inverse y, cos inverse z is equal to pi, then find value of x square plus y square plus z square. इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमने फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने आइडेंटिटी दी है उसी में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इसमें, लेट कॉस इनवर्स एक्स को हम ए ले लेते हैं, सो दैट एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, और कॉस इनवर्स वाई को बी ले लेते हैं, सो दैट वाई इज इक्वल टू कॉस बी, देन कॉस इनवर्स जेड को हम सी ले लेते हैं, सो दैट जेड इज इक्वल टू कॉस सी. अब देखते हैं क्या हमारे पास है. ये बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड. ओके, सो दिस विल बी योर, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड. ओके, सो दिस विल बी एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड. तो इसमें क्या है, देखो अगर कॉस पाई माइनस थीटा हो तो क्या आएगा, ये माइनस थीटा होता है, सो दिस विल बी योर सेकंड में क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, सो दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स जेड. तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड. इसको इधर ले आओ, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. सो अब स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या आ जाएगा उसमें, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट हियर, सो दिस विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे बेटा हमारा आ जाएगा दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ये तो कट गया आपस में, इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, सो कॉस पाई बाय टू, कॉस इनवर्स माइनस जेड, सो ये प्लस जेड ही आएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी एक्स प्लस वाई माइनस जेड, सो ये हमारा हो जाएगा माइनस जेड, ये हमारा माइनस टू एक्स वाई जेड. तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई जेड, वन भी है वहां पे, सो वन भी रहेगा. सो ये हमारा बनेगा, ये ठीक है बेटा, इसी तरह ही जाएगा, एक मिनट वेट करो.
यस, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ओके। तो ये हमारा वही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ये माइनस जेड ही आएगा इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, ओके। ये प्लस हो गया, प्लस दिस इज प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन, तो इसकी वैल्यू हमारी वन आ जाएगी, दिस विल रिजल्ट इन टू वन, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डू दिस पार्ट। सो पहले इसको रब करके देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इसको अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, सिंप्लीफाई टेंजेंट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमने एक्स क्या लेना है, सो दैट आपका ये ओवरऑल टेंजेंट बन जाए। तो इसमें हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, सो इसमें हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ले लो चाहे साइन थीटा ले लो, लेट इट बी साइन थीटा, ओके। तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा हमारा हो जाएगा x अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इसमें हम डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So, ये हमारा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ये कट गया, सो दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स टेन थीटा, ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ओके। सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट इज प्रूव दैट क्या ये कॉस टेंजेंट इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करना है, जस्ट लुक इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो इसमें बेटा हमने एक ट्रायंगल अज्यूम करना है जिसमें कॉट इनवर्स एक्स होगा, सो ये एक्स हो गया, ये वन हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने साइन में करना है, क्या बन जाएगा कॉस टेंजेंट इनवर्स साइन साइन इनवर्स क्या बन जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया, सो दिस विल बी कॉस टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब टेंजेंट को हमने कॉस में कन्वर्ट करना है, सो ये हमारा हो जाएगा वन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ओके अंडर रूट, तो ये साइड आ जाएगी अंडर रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब हमने क्या निकालना है कॉस, सो कॉस में क्या आएगा कॉस कॉस इनवर्स ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर। सो कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस
x square. So this will be the result. So okay बेटा, इस लेक्चर में हमने क्या किया है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री एंगल्स. सो उसमें हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर. होप दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स. ओके, थैंक यू.